अभी एक पिक्चर आई है जवान, किस किस ने देखी है? देखना जाके, अच्छी पिक्चर है। उसमें शाहरुख खान का डायलॉग है, सुना होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया में खूब घूम रहा है। शाहरुख खान कहते हैं कि ये लोग आएंगे वोट के पहले वोट मांगने, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना, इन सारी पार्टियों से पूछना मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के इलाज के लिए क्या करोगे। मैं शाहरुख खान साहब को कहना चाहता हूं, पूरे देश में अकेली आम आदमी पार्टी है जो बच्चों की शिक्षा के लिए और आम आदमी पार्टी के इलाज के लिए का। तो कैसे हैं आप लोग? जवान ने वो कर दिखाया है जो कि बड़े बड़े लोग गुजर गए लेकिन बॉलीवुड में आज तक किसी ने नहीं कर पाया। 4 दिनों में 537 करोड़ कमाकर इतिहास बना दिया है जवान ने। जवान ऐसा फिल्म है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा इंडिया का सिस्टम, इंडिया में भी करेंटली में क्या चल रहा है और सरकार को लेकर किस तरह इस फिल्म को बनाया गया। अभी तक 2-3 फिल्म जितनी हिट हुई है बॉलीवुड के अंदर वो सब जाति पर बना है, लेकिन शाहरुख खान अकेला बंदा सरकार को हिला कर रख दिया है और सभी लोग, इंडिया के सभी लोग सपोर्ट में शाहरुख खान को। जो भी देखा है गलत रिव्यू एक भी नहीं दिया है, या फिर पब्लिक रिव्यू भी जो होता है उसमें भी एक भी गलत ऐसा रिव्यू आपको नहीं दिखेगा। एक नंबर, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। इट वाज सुपर ब्रो, इट वाज सुपर। 60 साल की दादियां भी शाहरुख खान को देखने आ रही है। दादी जवान देखने आई हो? हाँ जवान देखने आई है। क्यों? तुम लोग हमको ला नहीं रहे थे, पर मैंने कहा मैं तो चलूंगी। शाहरुख खान की पिक्चर हमको बहुत पसंद है, हम सब पिक्चर देखते हैं। चलो अच्छी लगी आपको पिक्चर? हाँ अच्छी लगी। चलो बढ़िया दादी। इससे आपको पता चलेगा कि शाहरुख खान किस लेवल का सुपर स्टार है। मेगा स्टार सिर्फ शाहरुख खान ही है, सलमान खान नहीं है। सलमान खान का तो मैं फैन हूँ लेकिन शाहरुख खान नंबर 1 पे। पूरी दुनिया में अगर पहचान बनाने की बात आती है इंडिया को तो शाहरुख खान ही है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में। हम बोलते हैं कि मोदी जी को पूरी दुनिया में जानते हैं, हम नहीं बोलते, अनभक्त बोलते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश में शाहरुख खान को ना जानता हो कोई। तो शाहरुख खान का ये है लेवल। तो इस वक्त जवान ने 537 करोड़ कमा कर रखा है जिसमें 4 दिनों में इतिहास बना दिया। पहली बार ये फिल्म है जो कि इतिहास बनाया, इससे पहले इतना ज़्यादा और इतने कम समय में कोई पैसा नहीं कमाया है। पहला दिन था 129 करोड़, दूसरा दिन था 110 करोड़ क्योंकि फ्राइडे था, और सैटरडे को 144 करोड़ क्योंकि हाफ डे था छुट्टी, और संडे को सबसे ज़्यादा 152 करोड़। संडे को सब रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 152 करोड़ कुल मिला के होता है 537 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों में। तो बहुत सारे लोगों ने बधाई देना शुरू कर दिया है ट्विटर पे, जितने भी स्टार है या फिर पॉलिटिशियन भी बहुत सारे सपोर्ट में आ रहे हैं क्योंकि सब। क्या शाहरुख खान ने वाकई में मोदी सरकार पर निशाना साधा है? क्योंकि जो दिखाया गया है रियल है। कोरोना टाइम में कपिल खान नाम के एक डॉक्टर थे जो कि ऑक्सीजन के लिए बहुत इधर उधर भटके, लेकिन बाद में उनको भी फंसा दिया गया। सेम ये फिल्म में भी दिखाया गया एक लड़की के तरफ से, और किसान आए दिन मरते हैं, उनका कर्ज़ा माफ़ नहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बिजनेसमैन हैं उनका कर्ज़ा माफ़ हो जाता है। तो ये सब दिखाया गया है और एक बहुत अच्छे तरीके से। तो इंडिया के अंदर अभी लोग बोल रहे हैं कि मोदी नहीं राठौड़ जैसे इंसान चाहिए, पीएम चाहिए। तो आप क्या सोचते हो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।